कितने में लिया? 0 पैसे में। कहाँ से लिया? घर में बनाया। तो कुछ इसी तरह की आवाज़ें उठने वाली हैं आपके घर से भी, क्योंकि जब ये खूबसूरत सपोर्ट आपके यहाँ कोई देखेगा ना, तो ज़रूर आपसे सवाल करने वाला है कि आपने कहाँ से लिया और कितने पैसों में लिया। फिर आप घर उसे बताइएगा कि आपने इसको बनाया अपने हाथों से 0 पैसे में। और जब इतनी खूबसूरत चीज़ हमें मिल रही है 0 पैसे में, 0 के साथ साथ हम धरती का बोझ भी कम कर रहे हैं, कुछ पर्यावरण को बचा रहे हैं, तो भाई खुश होना तो बनता ही है। और निश्चित रूप से आप भी बेताब हो रहे होंगे जानने के लिए ये बने किस चीज़ के आखिरकार इतने खूबसूरत से। हाँ, सबके पास ये मटेरियल होता ज़रूर है, पर शायद आप लोगों ने संभाल के नहीं रखा होगा। पर वीडियो देखने के बाद आगे से आप भी इसको संभाल के रखेंगे, आगे से कतई नहीं फेंकेंगे। कई सारे मैंने बनाए हुए इसी तरह से। सब कुछ होने वाला है हमारा 0 पैसे में। देखिए इस तरह से आप इसको ऑर्गेनाइजर की तरह यूज कर सकते हैं। अपने छोटे छोटे से इसमें प्लांट्स लगाएं और फिर देखिए इसकी खूबसूरती। मल्टीपर्पज है, चाहे तो इस तरह से स्टडी टेबल में रखें, बच्चों का सामान रखें, बच्चों के स्टडी टेबल के सामान भी एक ऑर्गेनाइज हो जाएगा। किचन में भी रखिए, जहाँ पर भी रखेंगे ना, मल्टीपर्पज है हमारा। ये देखिए, एक ये बनाए हुआ मैंने, कई सारे मैंने बनाए हुए हैं। यकीनन आप लोगों को भी बनाने की बहुत जल्दी होगी, तो चलिए जल्दी से हम लोग वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं। नमस्कार, और एक बार आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल बेस्टी बेस्टी पर। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो हमारी फैमिली का हिस्सा भी बने, मुझे बहुत खुशी होगी। और आज ये खूबसूरत से ऑर्गेनाइजर ना हम लोग बनाएंगे अपने इन फेंके जाने वाले पेन से। पेन का इस्तेमाल हम सभी के घरों में होता है, और जब इनकी रिफिल खत्म हो जाती है तो इनको हम उठा के फेंक देते हैं डस्टबिन में। पर आज का वीडियो देखने के बाद आप भी इनको बिल्कुल नहीं फेंकेंगे, संभाल के रखेंगे कुछ मेरी तरह से, जैसे कि मैंने कई सालों से संभाल के रखे हुए हैं। और देखिए, एक लिए हुए मैंने बॉटल, 2 लीटर की बॉटल है, नीचे का हिस्सा मैंने काटा हुआ है, और एक लिया हुआ मैंने रबर बैंड। बस इसके अलावा हमें कुछ भी ज़रूरत नहीं है, हमें कोई ग्लू गन नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। अब हम क्या करेंगे, ये रबर बैंड इसमें चढ़ा देंगे और इसमें अब ये हमें पेन फंसाने होंगे। एक एक करके रबर बैंड के अंदर ये पेन हम फंसाते चले जाएंगे अपने। अब कलर अगर आप चाहें तो सेपरेट एक एक कलर के अलग करके भी बना सकते हैं, या चाहें तो कुछ इस तरह से मिक्स करके भी बना सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे उस तरह से आप बना लीजिए। और देखिए, बॉटल का हिस्सा भी मैंने इससे, पेन का जो हमारी लेंथ है उससे मैंने ये बॉटल लंबी काटी हुई है, क्योंकि नीचे से थोड़ा सा ये जो पोर्शन हमारा ट्रांसपेरेंट दिखेगा तो बहुत खूबसूरत लग रहा था, अपने आप में एक यूनिक सा लग रहा था, इसलिए बस थोड़ी सी, देखिए थोड़े से पेन मैंने इसमें डाल के इसको थोड़ा सा मैंने स्लांटिंग शेप दिया हुआ है। आप चाहें तो कुछ इस तरह से करें, या चाहें तो सीधे सीधे ही लगा दें, जैसे आपको अच्छा लगे। बस इसी तरह से हम लोग अपने सारे पेन इसमें फंसा लेंगे। ना एक भी मेहनत, ना एक भी खर्चा, हमारे एक सिंगल पैसे का खर्चा नहीं है, जो जनरली लोगों को प्रॉब्लम आती है कि मैंने ग्लू गन में खर्चा किया, या मैंने कलर में खर्चा किया, मैंने पेंट करने में खर्चा किया। तो देखिए, इसमें सब कुछ हमारा फ्री है। फ्री के साथ साथ बहुत सारे फ़ायदे हैं। हम प्लास्टिक को, अपनी ढेर सारी प्लास्टिक को इसी बहाने रीयूज कर रहे हैं, और कुछ इसी तरह से अपने बच्चों को भी सिखा रहे हैं कि इसी तरह से हम अपनी प्लास्टिक को रीयूज कर सकते हैं, अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। और ये देखिए, एक काम और हम करेंगे, नटराज के मेरे पेन है, तो जहाँ जहाँ पर नटराज लिखा है तो इनको मैं देखिए नीचे की तरफ घुमा के जहाँ पे नटराज लिखा है वो पोर्शन मैं नीचे किए दे रही हूँ, जिससे कि हमारी नटराज की एक भी झलक ना आए और ये हमारे सिर्फ ऊपर दिखें कलरफुल स्टिक्स। और देखिए, अब ऊपर से मैं इसमें लगा दे रही हूँ टेप। टेप इसलिए चूँकि रबर बैंड हमारा कई बार ये टूट के निकल भी सकता है, तो सारे पेन हमारे बिखर जाएंगे, तो ऊपर से मैं इसमें लगा दे रही हूँ थोड़ा सा टेप। इसी टेप की एक लेयर लगा देती हूँ मैं नीचे, जिससे कि थोड़ा सा इसका लुक और भी अच्छा हो जाएगा, सिर्फ इसलिए। अगर नहीं चाहते हैं टेप लगाना तो कोई भी आप सिंपल सी रस्सी लीजिए, और देखिए रस्सी से इस तरह भी बांध देंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। और देखिए कितनी आसानी से हमारा बातों बातों में ही बन के तैयार हो गया। बस अगर आप इसमें डायरेक्टली कोई प्लांट लगाना चाहते हैं तो इसमें नीचे ड्रेनेज होल बना दीजिए, मिट्टी भरिए और लगा दीजिए प्लांट।
मैं अपना यूज कर रही हूँ कुछ इस तरह से, ऑर्गेनाइजर की तरह। तो इसके अंदर मैंने अपना रखा हुआ छोटा सा पॉट, आपकी जैसे मर्जी आप वैसे यूज करें, पर आगे से ध्यान रखें जब भी आपके बच्चे या आप पिन यूज करें तो इनको संभाल के रखें। तो आप भी बना सकते हैं अपने लिए खूबसूरत से ऑर्गेनाइजर। जल्दी मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक लिए आप इसी तरह से इंजॉय करें और खुश रहें। थैंक यू।